आज पूरा विश्व कोरोना नाम के महामारी से जूझ रहा है। इतनी कोशिशों के बावजूद ये वायरस है कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते ही चली जा रही है और काफी भारी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो रही है। अब ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदू धर्म शास्त्रों में की गई भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत का समय नजदीक आ चुका है। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं इस बारे में। सोशल मीडिया पर कई ज्योतिष के जानकारों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक नारद संहिता में आज से 10,000 साल पहले इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि भारत से पूर्व में बसे एक देश से एक बड़े महामारी की शुरुआत होगी, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कुछ लोग इस जानकारी को पढ़कर कोरोना वायरस को कलयुग का अंत बता रहे हैं। तो क्या ये ऐसा सच में होने वाला है? दोस्तों, आपको बता दे कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अभी कलयुग खत्म होने में काफी समय बाकी है, क्योंकि ब्रह्म पुराण के हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी तो कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का जन्म 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के अब तक 5,120 वर्ष बीते हैं और 4,24,880 वर्ष अभी बाकी हैं। और कलयुग का अंत कैसे होगा, इसके बारे में भी ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। ब्रह्म पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों के बीच दुर्भावनाएं बढ़ेंगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखते जाएगी। बेईमानी और अन्याय से पैसे कमाने वाले लोग बढ़ते जाएंगे। धन के लालच में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। कोई भी खून का रिश्ता किसी के लिए अहमियत नहीं रखेगा। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग ताकतवर होंगे उनका ही राज होगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से सभी अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। इसके अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का वास होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इतना ही नहीं, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में अपने बच्चे के लिए माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास के लिए समय ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, पर लोग भूख से मरेंगे। महलों में ऐशो आराम चल रहा होगा, लेकिन झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे और जब धरती में पाप अपनी चरम सीमा पार कर लेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप लेकर कलयुग का अंत करने धरती पर आएंगे और इसके बाद शुरुआत होगी सतयुग की। इसलिए दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कलयुग का अंत नहीं है। अभी कलयुग खत्म होने में काफी साल बचा है। हम जल्द से जल्द इस कोरोना नाम की महामारी से भी बच निकलेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में, बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। ऐसे ही अद्भुत बातें जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज अद्भुत बातें को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।